देख सकते हैं काफी खतरनाक है। तो अभी हम इस किले के एक बुरुज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे बुरुज पे जो छतरी बनी हुई है वहाँ से ये नज़ारा हम देखने वाले हैं। बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है। ये काफ़ी बड़ी गुफा है और यहाँ से चमगादड़ों की काफ़ी तेज़ आवाज़ें आ रही है और ये आवाज़ सुन सकते हैं अब चमगादड़ों की। मराठवाड़े का भूगोल ये प्रचंड इतिहास का साक्षीदार है और मराठवाड़े के हर हिस्से में इतिहास भरा पड़ा है। बस हमें उस इतिहास को ढूंढने की जरूरत है। दोस्तों, इतिहास की गूंज को महसूस करता हुआ मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र राज्य की पर्यटन राजधानी औरंगाबाद के एक गांव, जहाँ है मध्यकाल में बना हुआ एक गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी किला जिसका नाम है वेताड़वाड़ी, जिसे स्थानीय लोग वसई का किला या वाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। इस किले का निर्माण किसने किया इसमें मतभेद है, लेकिन इस किले को अधिक खूबसूरत बनाया अहमदनगर की निजामी शाही सल्तनत के सबसे चतुर और ताकतवर भारत के मशहूर आर्किटेक्चर मलिक अंबर ने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेताड़वाड़ी का किला। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, बारिश चालू है और आजू बाजू पहाड़ है। पहाड़ होने के कारण यहाँ का जो मौसम है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये एक पहाड़ी किला है और ये एक मध्यकाल में बना हुआ है। इसका इतिहास का ये भी देखेंगे और इस किले के अंदर क्या क्या मौजूद है ये भी देखने वाले, जो कि बहुत ही खूबसूरत किला है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो दोस्तों, सामने जो दिखाई दे रहा है ये है वेताड़वाड़ी का एक खूबसूरत किला। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार ये किला 12वीं शताब्दी में बना हुआ है और हो सकता है कि ये एक यादवकालीन किला ऐसा तर्क लगाया जा सकता है। और किले के सामने एक बहुत बड़ा मुलुक यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत शानदार किला है और अंदर से तो इसके बहुत अच्छे व्यूज़ हमें देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, किले के ऊपर जाने के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा रास्ता बना नहीं हुआ है, सारे कच्चे रास्ते हैं। इस ओर से एक रास्ता है और यहाँ से हमारे ये एक रास्ता है और दो फोर्टिफिकेशन यानी दो बुरुजों के बीच से इसे अंदर जाने के लिए रास्ता है, एंट्रेंस गेट। और पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस गेट है, दाखिली दरवाज़ा, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ दिखाई देते हैं किले के। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं यहाँ से। तो ये किले का एंट्रेंस गेट है और सामने ही यहाँ पे एक ऐसा भव्य बुरुज दिखाई देता है। अगर दुश्मन यहाँ से आने को करे तो यहाँ से इजीली सैनिक अटैक कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि कितना कंफ्यूजिंग वाला रास्ता है, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस गेट है ये जल्दी से दिखाई नहीं देता। और यहाँ से चढ़ने के बाद में हमें यहाँ पे एक रास्ता दिखाई देता है, दरवाज़ा, जो कि पहला इसका गेट है। ये यहाँ से आने के बाद में ये देख सकते हैं दो बुरुजों के बीच में ये इसका जो दाखिली दरवाज़ा है ये छुपा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में अब इसका जो फर्स्ट एंट्रेंस गेट है यहाँ पे दो शेर के चित्र भी निकाले हुए हैं, तो ये भी हम देखते हैं। और इसका जो दरवाज़ा है ये बहुत ही ऐसी अंदर कर एंगल में ऐसा मुड़ा हुआ है। तो चलिए अभी हम दरवाजे से अंदर जाते हैं और ऊपर क्या क्या है ये सब कुछ देखते हैं। तो दो शेर के यहाँ पे हम चित्र देख सकते हैं जिसे पत्थर में तराशा हुआ है और ये है इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट।
इसकी जो स्थिति है दोस्तों यहाँ की, ये काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना अच्छा इसका ये दाखिली दरवाज़ा यानी कि प्रवेश द्वार बना हुआ है, सिपाहियों को रुकने के लिए, जो भी यहाँ पे पहरेदारी करते थे उनके रुकने के लिए। यहाँ पे हम ये दो कमरे देख सकती है ये, और ये है इसका प्रवेश द्वार। यहाँ से ऊपर आने के बाद में यहाँ पे और ऐसा कर्ल एंगल में यहाँ पे हमें रास्ता दिखाई देगा, और ये है इसकी तटबंदी की दीवारें। ये जो होल दिखाई दे रहे हैं, अगर शत्रु यहाँ से किले के पास में आ जाए तो यहाँ से उनके ऊपर तेल डाला जाता है, या फिर तीर और बंदूक की गोलियों से उन्हें निशाना बनाया जा सकता। और यहाँ से खूबसूरत हमें वादियों का नज़ारा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये है इसका प्रवेश द्वार, और यहाँ से आने के बाद में ऊपर जाने के लिए रास्ता भी है। बुरुज के ऊपर से भी हम यहाँ पे नज़ारा देखने वाले हैं। दोस्तों किले वेताड़वाड़ी या विशा बुरुज के अंदर जो छतरे लगे हुए हैं, वो छतरियों के अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बना हुआ है, ये देख सकते हैं। तो अभी हम इस रास्ते के अंदर से छतरियों में जाएंगे और छतरियों में से बाहर का नज़ारा देखेंगे। जब समय में सैनिक जो थे कि यहाँ से पहरेदारी करते थे और आसपास के एरिया पे नजर रखते थे, तो वही छतरी जो है इस बुरुज के, इस किले के बुरुज के ऊपर बनी हुई। तो आइए अब हम इस रास्ते के अंदर जाते हैं। रास्ता देख सकते हैं ये काफी खतरनाक है। तो अभी हम इस किले के एक बुरुज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे एक रास्ता जाता है, ये बुरुज पे जो छतरी बनी हुई है वहां से ये नज़ारा हम देखने वाले हैं। बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है, और ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे से हम आए हैं। अगर दुश्मन सपोज आ भी गए तो यहाँ से सैनिक इनके ऊपर अटैक करते थे, और यहाँ से दूर दूर तक के नज़र रख सकते हैं इस छतरी पे से। सेम ऐसा वहाँ पे भी बना हुआ है, और वहाँ पे एक ऐसी छतरी बनी हुई है। दोस्तों इस किले को अधिक खूबसूरत बनाया अहमदनगर के निज़ामशाही सल्तनत के सबसे चतुर और ताकतवर वजीर और भारत के मशहूर आर्किटेक्चर मलिक अंबर ने। औरंगाबाद के किलों की बात हो और वहां मलिक अंबर का नाम ना हो, ये कहानी अधूरी लगती है। 1600 में जब मुगल सम्राट अकबर ने निज़ामशाही सल्तनत की राजधानी अहमदनगर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया, तो मलिक अंबर ने खड़की यानी औरंगाबाद शहर की खोज कर उसे अपने बेटे के नाम फतेह खान के नाम पर फतेहपुर बसाया और दौलताबाद को निज़ामशाही सल्तनत की राजधानी बनाई। मलिक अंबर ने औरंगाबाद में बहुत से वीरान पड़े किलों को खोजकर उनकी मरम्मत कर निज़ामशाही सल्तनत के इस्तेमाल में लाए। इनमें अंतूर का किला, जंजाला और ये खूबसूरत वितलवाड़ी यानी वसई का किला भी शामिल है। तो काफ़ी खूबसूरत व्यूज़, और ये कैनन आप देख सकते हैं जो इस किले की ईशान बढ़ाती है। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत हमें यहाँ से व्यूज़ दिखाई देता है। सामने वापस जो बाले किला बोलते हैं उसकी हमें वॉल दिखाई दे रही है, और ये सामने ही ये एक छोटा कैनन रखा हुआ है जो कि सामने दुश्मन आए तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये देखने के बाद में अभी हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में अभी हम क्यूज देखेंगे जहाँ से चमगादड़ की आवाज़ें आ रही है। दोस्तों इस वक्त मैं इसके एक बुरुज के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे सामने आप ये तोप देख सकते हैं, और इस ओर एक गुफा है, इस गुफा के अंदर से चमगादड़ की आवाज़ें आ रही है। तो अभी हम गुफा देखेंगे ये अंदर क्या है इस गुफा में। तो दोस्तों सामने जो क्यूज है यहाँ से चमगादड़ की बहुत सी आवाज़ें आ रही है, तो आके हम देखते हैं जो कि ये काफ़ी बड़ी गुफा है। तो ये काफ़ी बड़ी गुफा है, और यहाँ से चमगादड़ की काफ़ी तेज़ आवाज़ें आ रही है, और ये
हो सकता है कि ये वाटर स्टोरेज वाटर टैंक हो, क्योंकि यहाँ पे अभी पानी जमा हुआ है। किले के ऊपर का जो पानी नीचे गिरता है वो ही इस गुफा में जमा होता होगा। आवाज़ सुन सकती है अब चमगादड़ों की। वाटर स्टोरेज देखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं ऊपर, और ऊपर अभी हम बाली किले के पास जाने वाली है। ये नज़ारे आप देख सकते हैं बारिश के मौसम में कितने खूबसूरत नज़ारे हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप कभी भी यहाँ पे घूमने के लिए आए तो अकेला ना आइएगा, क्योंकि ये जो जगह है पहाड़ के ऊपर एकदम साइलेंट में है, यानी कि जंगल में है। तो आपको यही मेरा सजेशन है कि आप अकेले ना आए यहाँ पे, आप दोस्तों के साथ आइएगा, अकेला ना आए। दोस्तों सन 1600 में जब ये किला अहमदनगर के निज़ामशाही सल्तनत के पास में आया, तो निज़ामशाही सल्तनत के जो वज़ीर थे मलिक अंबर, उन्होंने इसे एक अहम किला बनाया, इस किले की रिपेयरिंग मरम्मत की और इसे अपनी सल्तनत का अहम किला बनाया, क्योंकि इस किले से आसपास के जो भी एरिया यहाँ पे आसानी से नज़र रखी जाती थी। और ये किला खानदेश के पास होने के कारण ही यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित किलों में से एक था, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और खानदेश ये मुगलों की मिल्कियत थी। वहाँ से हमेशा जो है हम लोग के लगातार खतरा रहता था, उस हिसाब से ये एक सुरक्षित किला यहाँ पे सरहद के ऊपर बनाया गया है। ये है औरंगाबाद की बॉर्डर सोएगांव, और यहाँ से खानदेश यानी कि जलगांव शुरू हो जाता है, जो कि मुगलों की मिल्कियत थी। तो उसी बाउंड्री के ऊपर ये किला बना हुआ है। तो एक हिसाब से ये जो किला है ये अहमदनगर की जो निज़ामशाही सल्तनत थी उनकी एक सुरक्षित किलों में से एक और सरहदी किलों में से एक था। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे, ये एक इसका ब्रिज है, और यहाँ से अभी हमें मेन किले के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे क्या क्या ये सब कुछ हम देखेंगे, शाही महल, मंदिर, दरगाह जो भी होंगे सब कुछ हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। मौसम भी काफ़ी खुशनुमा है दोस्तों, हल्की बारिश हो रही है, रुक रही है। तो ऐसे में इस किले को देखने का या इस किले पर ट्रैकिंग करने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं। और यहाँ से ये रास्ता है, रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पे सीताफल के झाड़ बहुत लगे हुए हैं इस किले के ऊपर। दोस्तों अतीत में यहाँ पे एक इंसानी बस्ती बसी थी, लेकिन आज इस जगह को देख सकते हैं बिल्कुल ही वीरान पड़ी हुई है। तो यहाँ की जो दीवारें आप देख रहे हैं ये टूट चुकी है। यहाँ पे एक इमारत है जिसके अवशेष बाकी है, वैसे ही दीवारें उन झाड़ियों के अंदर दिखाई देती है। और यहाँ पे आने के बाद में इस ओर हमें कुछ और इमारतें या बुरुज दिखाई देता है, ये घरों के स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसके दीवारें कुछ ही बाकी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो राजमहल होंगे, रजवाड़े होंगे, तो वो उनके स्ट्रक्चर है। ये एक बुरुज, और सामने जो इमारत थी उसका मलबा नीचे गिरा हुआ है, और पास ही में यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक कुआ था या कुछ रंजन वगैरह था। हो सकता है कि यहाँ पे शाही रसोई घर हो सकता। यहाँ पे ये टूटे हुए उध्वस्त मलबा हम देख सकते हैं यहाँ पे।
इसके अंदर कमरा है। चमगादड़ के मलबे की यहाँ पे बात आ रही है और बीच में यहाँ पे खोदा हुआ भी है। अभी किसने खोदा ये तो पता नहीं। सामने भी यहाँ पे इमारत का स्ट्रक्चर, उसका मलबा पड़ा हुआ है, यानी कि ये टूटा टूट गया था। शाही परिवार के ये निवास स्थान यानी कि उनके रहने की जगह हो सकती है ये। ये भी आप सब देख रहे हैं, ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी थे और एक यहाँ पे इमारत है। अभी इमारत क्या है ये हम देखेंगे। दोस्तों ये जो इमारत है इसके सामने ही यहाँ पे एक बड़ा पानी का तालाब या यूँ कहा जाए कि एक बड़ा वाटर टैंक बना हुआ है। देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे वाटर टैंक बना हुआ है पानी की टाकी। और ये जो इमारत दिखाई दे रही है असल में ये मस्जिद थी। ये किले वितड़वाड़ी या किले के ऊपर यहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के ठीक सामने यहाँ पे एक बड़ा तालाब बना हुआ है। वजू के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता होगा इसके। मस्जिद की ऊपर की छत टोटली टूटी हुई है और वीरान पड़ी हुई है ये मस्जिद, जो कि किले वेताड़वाड़ी के ऊपर है। ये मस्जिद की दीवारों का प्लास्टर भी उखड़ चुका है और इसके पीछे यहाँ पे और रास्ता है जाने के लिए। इधर से देखते हैं क्या है। तो ये मस्जिद का बेसमेंट हम देख सकते हैं और यहाँ पे भी एक गड्ढा हो चुका है। ये इसकी दीवारें जो कि काले पत्थर से ये मस्जिद बनी हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी दीवारें आज भी। हालांकि इसके ऊपर का जो छत है वो गिर चुका है, लेकिन दीवारें आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। पास ही में ये जो कि एक बड़ा तालाब है। और दोस्तों अब मैं आपको इस किले की सबसे एक खूबसूरत इमारत दिखाऊंगा, जिसे कमान महल कहा जाता था, जो कि शाही परिवार के जो सदस्य थे हवा खाने के लिए, ठंडी हवा के लिए वहाँ पे जाके बैठा करते थे। एक बहुत ही खूबसूरत एक टेकड़े के ऊपर ये कमान महल बना हुआ है। तो चलिए इस ओर वो है देखते। दोस्तों किले के ऊपर से सामने हमें जंजाला किला दिखता है, जंजाला यानी कि वैशागढ़ किला। और वही किले के जो पहाड़ है उसको देख सकते हैं कि बादल टकरा रहे हैं। तो कामान महल के पास जाने से पहले यहाँ पे और एक इमारत हमें दिखाई देती है और सामने ही यहाँ पे कामान महल है। और मौसम कितना खुशनुमा है ये आप देख सकते हैं कि कितने बादल घिरे हुए हैं। और यहाँ से इस कामान महल का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने मैंने आपको बताया कि जो जंजाला किला है उसको उसके पहाड़ से बादल टकरा रहे हैं और नीचे का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा तालाब है। और तो दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है कमान महल और इस किले का ये लास्ट पॉइंट है। और यहाँ से वादी के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। तो चलो अभी हम अंदर चलते हैं और इस महल को देखते हैं। दोस्तों इस महल से पहले भी यहाँ पे कुछ इमारत वगैरह होंगी जिसका ये आज भी मौजूदा निशान हम देख सकते हैं। उसका प्लास्टर नीचे का उखड़ चुका है और इसकी जो दीवारें है ये गिर चुकी है। और ये है शाही परिवार अपना वक्त बिताने के लिए यहाँ पे आया करते थे। यहाँ पे हवा का महल भी इसे हम कह सकते हैं, हवा का महल या कमान महल। इसके ऊपर भी और फ्लोर हो सकते हैं, लेकिन छत गिरने के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आज इस तरह है इसका अवस्था। इस कमान महल के खूबसूरती का अंदाज़ा हम यहीं से लगा सकते हैं। ये जगह ऊपर है, अगर यहाँ पे और नीचे जाने के बाद में हमें यहाँ पे झरोके देखने को मिलते हैं। इस ओर से झरोका है और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमें बाहर का दिखाई देता है और काफ़ी अच्छी हवा यहाँ से आ रही है, ठंडी हवा। उस वक्त गर्मी के मौसम में
शाही परिवार के लोग यहाँ पे अपना वक्त बिताने के लिए आते थे। सामने ही यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वगैरह है और वहाँ से एक दरवाज़ा भी है जिसे गांव का नज़ारा देख सकते हैं। सामने ही गांव है, कुछ मकबरे वहाँ पे दिखाई देते हैं उस ज़माने के। सामने एक दरवाज़ा है जिस वेताड़वाड़ी गांव के ठीक सामने, यानी गांव से यहाँ पे उतरने के लिए या गांव से ऊपर आने के लिए रास्ता बना हुआ है। हमें इस ओर से जाना है वहाँ पे। इस ओर कुछ गुफा दिखाई देती है, हो सकता है यह पानी की टाँकी हो। अंदर जाने का रास्ता जो है ये बंद कर दिया गया है, जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं इसके ऊपर गिरा दिए गए हैं। ये पानी की टाँकी है जो इस किले का ये दूसरा रास्ता है। यहाँ से हम गांव के नज़ारे भी देखेंगे। ये जो रास्ता है ये गांव के ओर वाला दरवाज़ा है, यहाँ से चढ़कर जाना है और दरवाज़ा भी है यहाँ से। नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से। और इसके जो बुरुज है, बुरुज के ऊपर कुछ नक्काशी काम किया हुआ है, लेकिन इसकी हालत आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे, अगर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अगर इसे ध्यान दिया, इसे रिपेयर वगैरह किया, तो ये काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। इसके जो बुरुज है, फोर्टिफिकेशन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये गांव के ओर का दरवाज़ा और काफ़ी ख़ूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है। जो बादल है ये पहाड़ों को चीरते हुए निकल रहे हैं बारिश का मौसम है। और इस ओर आप देख सकते हैं कि कुछ नक्काशी काम, तराशा हुआ काम किया हुआ है। शेर दिखाई देते हैं और ये है गांव। सामने जो दिखाई दे रहा है ये गांव का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और ये एक किला, किले का पूर्वी ओर का ये दरवाज़ा है। तो दोस्तों, इसका जो पूर्व के ओर का जो दरवाज़ा है, वहाँ से यहाँ की जो हालत है देख सकते हैं कितनी खस्ता है। झाड़े वगैरह काफ़ी आई, इसकी जो सीढ़ियाँ थी ये टूट चुकी है, बहुत ही घातक रास्ता है ये। और दोस्तों, मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहता हूँ, जब भी आप इस किले पर घूमने के लिए आए या इस किले को देखने के लिए आए, तो अकेला ना आइएगा, कैसे दोस्त के साथ आए, क्योंकि ये एकदम वीरान जगह पर और एक अनजान जगह पर किला बना हुआ है। किला तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अकेला मत आइएगा यहाँ पे। दोस्तों, ये है चोर रास्ता, एक खुफिया रास्ता, इमरजेंसी के तौर पे से यूज़ किया जाता होगा। तो दोस्तों, अभी हमने देखा एक किला वेताड़वाड़ी रिसापुर, जो कि बहुत ही खूबसूरत किला है। फिर से एक बार मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आए, तो किसी दोस्त के साथ आए, क्योंकि ये एक एकांत में और काफ़ी खतरनाक किला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले एक ऐतिहासिक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।